अरे जीवो जीवो, हम तो आ गए आ गए हम तो। और मैं बच्चा ले ले ले, तेरे बिस्कुट लाया हूँ तो वो ले ले, तो वो बिस्कुट लाए हैं हम। हाँ पहले लगा लेते जीवो, हम तेरे बिस्कुट लाए हैं, खा ले मेरे बच्चा, नहीं तो हमारे देख तो दूड़ा गया, हमारे बिस्कुट हाथ में लिए। भाई खुशबू आ रही है। तो आ गए जी हम, और मुंह धो लिया है मैंने कहाँ से, अचारे से, और फ्रेश होके मुंह धो के तब फ्रेश हुए, तब सही लग रहा है। और अब हम सोएंगे, खाना लेके आएगी, किसी खा रहा है खाना, और नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तुझे असर। हम तो गए वहीं, दो पूड़ी भी मोटी मोटी, वो मैंने बनाई दो, मैंने ले चलेंगे जियो को, वो मेरे हिस्से में आ गई, दो पूड़ी में पूरे होंगे चिक्के थे। और मिलते हैं, फिर सब सोएंगे क्योंकि हिमांशी, मेरा हाथ कांप रहा है। हिमांशी जाएगी सुबह स्कूल, और केक भी लेके आए, हमने खाया नहीं था, वहाँ दी से केक थे लेके आए, मैंने कहा वहीं खाएंगे केक। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए, और भाई पवन भाई छोड़ के गए थे, और कार्तिक, तो मिलते हैं फिर, ब्लॉग देखूंगी जो भी हिमांशी ने बनाया, और अभी चेक करूंगी तब ब्लॉग आएगा, तब बनाऊंगी ब्लॉग। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी, ऐसा करते हैं हम सब भी अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो ये हिमांशी ने मंगाया था ऑनलाइन पेंट, और पेंट बहुत अच्छी हैं, सस्ती भी हैं, अमेजोन से मंगाई थी। तो बस खाना खा रही थी मैं, रासबीन की सब्जी और रोटी और रायता, तो चटनी, आप सब भी कचरिया की चटनी है, आप सब भी खा लीजिए, और कचरिया आई है गांव से, जैसे कि हमेशा आती हैं उसी तरह से, बहुत दिन बाद हमारी भाभी वो ठीक हुई हैं जो कचरिया लाती हैं, और मम्मी ने भी भिजवाई थी कई दिन, और भाभी तो ढूंढ ढूंढ के, भाभी को तो पता होते हैं कौन सी कड़वी है कौन सी मीठी है, एकदम मीठी आई है सारी, अब चेक करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो बस आज मैंने, और मैं आप सभी के साथ बस यही शेयर कर रही थी, और शाम के टाइम मैं बनाऊंगी ये सब्जी। सब्जी दीसू कह रहा था कि आज ऐसी मतलब ज़्यादा पानी वाली पतली, मुझे पतली सब्जी पसंद है, किस तरह की बनाओ, तो ये आलू की और टमाटर की सब्जी है। बस बच्चों के लिए सूखी सब्जी बनाई अपने लिए, बस निकालने के बाद फिर मैंने पानी डाल लिया था, क्योंकि मुझे तो लिक्विड ही पसंद है, और थोड़ी सी बस दीसू के लिए निकाल ली थी, और बाकी डाल लिया था पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा लिक्विड ही अच्छी लगती है। आप सभी को कैसी लगती है कमेंट करके बताना, आप सब किस तरह की सब्जी खाते हैं। मुझे पतली अच्छी लगती है, जब छाए वगैरह हो तब भी, और अच्छे से ही पानी डाल लिया है कि मतलब अच्छे से हो जाए, रोटियां मतलब भीग जाएं, भिगोंगी तो नहीं ऐसे ही खाऊंगी, पर हाँ इस तरह से बनाई है। और ये तोरी आई थी गाँव से, और कचरिया भी, जैसे कि आप सब देख सकते हो हिमांशी गई थी, और ये क्लिप है थोड़ा कुछ दिन पहले का, बस ऐड नहीं कर पाई थी। तो ये तोरी आई थी, तोरी मैंने बनाई ताज़ी, उसी दिन हिमांशी गई थी तो सुबह सुबह तोड़ के लाई थी ताज़ी, एकदम बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। तो बस मैंने फिर आप सबके साथ ये भी शेयर करना ज़रूरी समझा, अच्छा लगा मुझे कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और आप सबको कैसा लगा, ये हिमांशी बता रही कि मैं तोड़ के लाई हूँ, तो सच में हिमांशी और हिमांशी की मौसी तोड़ के लाई हैं, और हिमांशी बहुत खुश हो रही थी जो हिमांशी ने तोड़ा। और एक घिया भी था, तो जैसे ना रोड पे लगी हुई है बेल, मैं रात में गई थी तो मैं आपको बता सकती हूँ इतनी बेल लगी हुई थी, लेकिन रात में तोरी नहीं तोड़ते हैं और देखते भी नहीं हैं, तो हम पचारे जाएंगे तब लगाएंगे, तभी घर की सब्जी मिलेगी, अभी तो कभी कभी मिलती हैं जब सोचते हैं कि रोज़ ही मिल जाए। और ये खाना आया था सोनू बहन के घर से, ये हलवा है, और ये भी पुराना है क्योंकि मैं ऐड नहीं कर पाई थी, आया था छठी वाले दिन, खाना की छठी वाले दिन, और हमारे घर में उस दिन खाना नहीं बना था, कड़ी थी पूड़ी सब्जी, और बस सबने यही खाना खा लिया था। तो थैंक यू सोनू बहन, आपका भी चावल थे, हाँ चावल तो मैं भूल ही गई, चावल भी थे। तो आप सभी को बस खाना खाने के बाद फिर मैं आप सबके साथ ये मतलब खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के शुरू में ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं, हलवा भी था जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो उम्मीद करते हैं आप सब। तो मैं गई थी सुबह सुबह हिमांशी को छोड़ने, नहाना मुँह धोना और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मिले थे राकेश भाई, हमारे गांव से राकेश भाई, नमस्ते कर रहे थे, मुझे पहचान में नहीं आया, फिर बाद में देखा
तो अच्छा लगा। और बस सुबह सुबह हिमांशी को छोड़ के आ गई हूँ, और बस दिखाना और बस टाइम पे ब्लॉगिंग करनी। मुझे तो कहीं जाओ तो अभी मतलब एक कैमरा सामने, कैमरा मैं खुद फेस कर लेती हूँ, लेकिन सबके मुंह पे कैमरा लगाना है अभी भी शर्म आती है। जो बिल्कुल अपने हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका पता है, उनके फेस पे तो मैं लगा देती हूँ कैमरा बगैर बोले बगैर सुने, लेकिन और जगह अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मेरी मानसी को बुखार चल रहा है। हिमांशी को ना हर 15 दिन में फीवर आ रहा है, और अभी 4 दिन से तो तेज वाला फीवर था। मतलब इसे अभी रिपोर्ट आई है तो टाइफाइड आया है दूसरे, ये तो टेस्ट कराया था उस दिन का है, तो फिर बाद में जब टेस्ट कराने के बाद बस बैठ गए हैं, और हिमांशी चली गई थी टेस्ट कराने के लिए, डर गई फिर बुलाने आई मुझे। तो ये जिस दिन रिपोर्ट लेने गए उस दिन गए थे हम गाँव, मतलब कल रात में, जब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये कल आई थी हिमांशी की रिपोर्ट। तो कल था, कौन सा डे था, कल संडे था। अब मंडे को मैं सुबह एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये छत है ना, बहुत पानी भरा हुआ है, हमारी छत बड़ी ख़राब सी बनाई है, छत पे पानी, इतना पानी भरा हुआ था कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। अंधेरा हो रखा है तो आपको दिखेगा, नज़र नहीं आएगा, पानी नज़र आएगा, एक साइड में पूरा पानी भरा हुआ है। और जो यहाँ लोग रहते हैं उन्होंने जो वो डाली थी ना मिट्टी, उस पर घास उग गई है और उस पर भी पानी मर रहा है। तो छत का आप सब समझ सकते हो कि पानी अगर एक बार आ गया नीचे तो उसका भी लेंटर का है ना सरिये खराब हो जाएंगे, तो इसका तो पूरा मैं क्या बताऊँ, लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। चल दिए थे बस थोड़ी देर के लिए, मम्मी से भी नहीं मिले क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है मम्मी का घर, लेकिन हमें इतनी जल्दी थी कि हमें बस बेटी, अब फिर मुझे तो सच में इतनी जल्दी में अजीब सा भी लगता है। तो ये दिखा रहे थे कि तोरी की बेल चढ़ी हुई है, आप सबने पिछले साल भी देखा होगा जब ये मकान बन रहा था तभी तोरी की बेल बहुत सारी चढ़ी हुई थी। और ये हमारे गांव का ये रोड है, ये मेन रोड है, मेरे प्लॉट से इतनी दूर है मेन रोड, मम्मी का घर भी पास में ही है। ये गांव है, गांव दिखा रही थी मैं आप सबको, मैंने नहीं दिखाया ये सब, एक मानसी ने जितना सूट किया है तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा, और यही कारण था, मेरे मम्मी से मैंने बोला था मम्मी वहीं मिल जाना, तो मम्मी को नहीं टाइम होगा या कुछ काम कर रही होंगी तो मम्मी नहीं आ पाई। मम्मी को ये होगा कि यहीं आएगी, लेकिन मुझे जल्दी थी क्योंकि डॉक्टर रुक जाता और यहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था, कई काम थे जो कि जाना बहुत ज़रूरी था, एक तो छत का ही था और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे बहुत काम थे। और बस ये हिमांशी ने थोड़ा सूट किया, मैंने तो सूट करने का दिमाग में भी नहीं था। आजकल जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ तो मन ही नहीं है बिल्कुल भी, और हिमांशी ये सिवा जा रहा है घर को, तो और मैंने कहा सिवा रुक जा भाई, अरे सिवा 10 रुपये ले जा, वो लेके नहीं गया वो चला गया, जैसे बाबा कह रहे क्या दूँ मैं, वो तो चला गया, यही जब तक पैसे निकाले वो बहुत दूर चला गया। मैंने कहा ठीक है सिवा बाय फिर। और ये